Hey guys, welcome back to my channel. Hope you guys are doing absolutely great. This is Sakshi, if you guys didn't know that, and I'm back with another haul video. So today's video is all about affordable haul. So ये mostly t-shirts, sunglasses, bags and master like storage box का haul होने वाला है, which is starting from ₹200 to ₹600 होने वाले, which is super super affordable. तो ये सारे item मैंने Geetham से purchase करे हैं. So now I am going to tell you about Geetham. Geetham is a website, also it's an Indian brand. आपको वहाँ पे आपको हर चीज affordable range में मिलेगी, and currently they have 4 active collection, which is sunglasses, t-shirt, mustard like storage boxes and bags. So मैंने हर एक कैटेगरी से कुछ ना कुछ परचेज करा है. So there will be giveaway also. So they were kind enough to share extra gift coupon for my viewers, which is butterflies s. मैं कोड है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी. So आप Geetham से कुछ भी परचेज करोगे तो आपको एक एडिशनल गिफ्ट मिलेगा मेरी तरफ से. एंड इधर कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है ऐसी कुछ भी कि आप इतने तक ऑर्डर करोगे तो ही ये कोड एप्लीकेबल है. देयर इज नो मिनिमम ऑर्डर लिमिट, वन टाइम यूजेज फॉर वन कस्टमर. सो जो भी गिव अवे की टर्म्स एंड कंडीशंस है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं. सो नाउ आई एम गोना कीप इट वेरी शॉर्ट एंड सिंपल. आई एम गोना टॉक अबाउट द साइज, प्राइस, मटेरियल एंड वेदर आई लाइक इट और नॉट. इससे ऊपर नीचे कुछ भी नहीं बना, तुम लोग बोर हो जाओगे इस वीडियो में. सो विदाउट एनी फर्दर एडियो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो फर्स्ट आइटम इज दिस कैश ओवल सनग्लासेस. ये मुझे ऐसे कुछ बॉक्स और प्लास्टिक बैग में रिसीव हुआ है, एंड इसका प्राइस ₹199 है. मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर रखा है, और इसके और भी शेड थे बट मेरे को पर्सनली ब्लैक चाहिए था क्योंकि वो सबके साथ चल जाता है. एंड इसकी क्वालिटी मैंने पर्सनली सस्ती टाइप लाइक सरोजनी टाइप वाली की एक्सपेक्ट की थी, बट इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. काफ़ी हैवी मटेरियल है इसका, एंड ऐसे सनग्लासेस पहले 90s में चलते थे, पूरी रेट्रो वाइब्स आई थी इसको वेयर करने के बाद, बट ये यूजुअली हर किसी के फेस पे नहीं जाते हैं. सो वहाँ पे और भी काफ़ी वेराइटी है सनग्लासेस की, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं. तो जो भी शेप है आप अपने फेस अकॉर्डिंग भी परचेज कर सकते हो. आई रियली लाइक इट, यू गाइस कैन ट्राई दिस वन ऑल्सो. सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम. सो नेक्स्ट इज दिस कैमरा माइक्रो वॉलेट. प्राइस इसकी ₹299 है, विच इज क्वाइट एक्सपेंसिव. मटेरियल इसका सिलिकॉन है, एंड फ्रंट में और ऐसे बैक में कैमरे की डिटेलिंग दे रखी है. जगह इसकी सी मटेरियल की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है. साइज इसका मैंने थोड़ा बड़ा एक्सपेक्ट किया था, बट ये छोटा है, एंड आई डोंट थिंक ये थोड़ा पॉकेट फ्रेंडली है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी ये पॉकेट में परफेक्टली फिट नहीं आएगा. जो भी आप डेली यूज हैंड बैग यूज़ करते हो उसमें आप इसको रख सकते हो फॉर कॉइन पर्पज, लाइक एक कॉइन का अलग सेपरेट वॉलेट हो जाएगा उसके लिए ये बेस्ट है. बट व्हेन इट कम टू द प्राइस आई डोंट थिंक ये मुझे वर्थ इट लग रहा है. अगर ये 100 to 180 के प्राइस में होता तब मैं आपको रिकमेंड करती, बट येस इट्स अ वेरी क्यूट वॉलेट, बट आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड दिस वन. अगर आपको ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है तो यू गाइस कैन गिव दिस वन अ शॉट. नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज दिस 2-in-1 वेस्ट बैग एंड स्लिंग बैग. प्राइस इसकी ₹459 है, एंड कलर इसका टैन ब्राउन है. मेरे को पर्सनली ऐसा कलर चाहिए था, एंड मैंने अपने ब्लॉग में भी वेयर कर रखा है एक. एंड इसका जो मटेरियल है वो आई एम नॉट श्योर, आई गेस रेक्सीन है, बट मटेरियल की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. एंड फ्रंट में ऐसा पूरा थ्रेड वर्क दे रखा है, जिसका स्किन सी. बैक में ऐसे हुक्स दे रखे हैं फॉर वेस्ट बैग, फॉर वेस्ट बेल्ट. एंड लाइक इसमें वन पॉकेट स्टाइलिंग के लिए दे रखी है, जो गाइस कैन सी अंदर कुछ भी पॉकेट्स नहीं दे रखी है. एंड मैंने जो सबसे पहले वेस्ट बैग देखे थे वो एक टर्किश सीरीज में देखे थे, जो कि डे ड्रीमर है. उसमें जो मेन कैरेक्टर है वो यूजुअली ऐसे वेस्ट बैग वेयर करती है. सो मेरे को तब से वहाँ से बहुत काफ़ी अच्छे लगने लग गए थे. एंड रिसेंटली अभी वेस्ट बैग काफ़ी ट्रेंडी भी है, मेरे को काफ़ी अच्छे लगते हैं ये. एंड इसमें ऐसी बेस्ट पार्ट इज दैट कि आप इसको एज अ स्लिंग बैग भी वेयर कर सकते हो. इसमें ऐसी एक चेन आई है फॉर स्लिंग बैग, एंड मेरे को ऐसी थोड़ी चेन वाली चीज़ें थोड़ी कम पसंद है, बट येस इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है. काफ़ी हैवी है इसका मटेरियल, एंड आई रियली लाइक इट ओवरऑल. ईच एंड एवरीथिंग लाइक क्वालिटी ऑफ बैग एंड चेन इज परफेक्ट. हाईली हाईली रिकमेंड दिस वन. पैसा वसूल लगी एंड वन ऑफ माई फेवरेट, जस्ट लव्ड इट. डेफिनेटली गोइंग टू रिकमेंड दिस वन, जस्ट गो फॉर इट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम. सो नेक्स्ट इज दिस ब्लैक टी शर्ट. साइज आई एम वेयरिंग इज एल. प्राइस इसकी पर्सनली आई रियली लाइक लूज टी शर्ट. प्राइस इसकी ₹349 है, मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर रखी है. मटेरियल इसका कॉटन है, मटेरियल की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. मैंने बिल्कुल भी अच्छी एक्सपेक्ट नहीं की थी, बट काफ़ी अच्छा मटेरियल है इसका. एंड फ्रंट में ऐसा कोट लिखा है, टुडे इज गोना बी अ गुड डे. और भी काफ़ी सारी वेरायटी थी इसमें, लाइक मनी हाइस्ट, मार्वल, लॉकडाउन टी शर्ट, थग लाइफ टी शर्ट, काफ़ी सारी वेरायटी थी. बट पर्सनली मेरे को मनी हाइस्ट वाली भी चाहिए थी, बट पर्सनली मेरे को ये वाला कोट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, टुडे इज गोना बी अ गुड डे, इसलिए मैंने वाली परचेज करी. एंड लाइक आई डोंट थिंक इसका जो ये प्रिंट है वो इजीली जाएगा, क्योंकि इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. लाइक फॉर रेगुलर पर्पज और कॉलेज पर्पज के लिए ये बेस्ट है. डेफिनेटली गोइंग टू रिकमेंड दिस वन. आई रियली लव दिस वन, एंड यू गाइस कैन गिव दिस वन अ शॉट. नाउ थम्स अप फॉर दिस वन एज वेल. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम.
नेक्स्ट इज दिस अगेन ब्लैक टी शर्ट साइज आई एम वेयरिंग इज एम प्राइस इसकी अगेन 349 है एंड मटेरियल इसका 100% कॉटन है. मटेरियल की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड काफ़ी सारी वेरायटी थी बट मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था, इसलिए मेरी सिस्टर को बोल दिया कि तू चूज कर ले, तो उसकी चॉइस है ये. एंड लाइक ये दोनों टी शर्ट काफ़ी अच्छी है फॉर कैजुअल पर्पज, डेली पर्पज के लिए बेस्ट है एंड आई रियली लाइक इट. ओवरऑल एवरीथिंग इज परफेक्ट, हाईली रिकमेंड दिस वन एंड या जस्ट गो फॉर इट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम. नेक्स्ट इज दिस अगेन वेस्ट बैग, साइज इसका बिल्कुल परफेक्ट है, लाइक सॉर्ट ऑफ पाउच जितना साइज है. प्राइस इसकी अगेन 449 रुपीज है. मटेरियल इसकी क्वालिटी अच्छी है, आई गेस रेगजीन है इसका मटेरियल एंड अगेन इसमें ऐसी चेन दे रखी है फॉर स्लिंग बैग एंड फ्रंट में ऐसा पूरा थ्रेड वर्क दे रखा है. आई डोंट थिंक आपको प्रॉपरली दिख पा रहा होगा बट इसमें ऐसा zigzag थ्रेड वर्क दे रखा है. बैक में ऐसे बेल्ट दे रखी है फॉर वेस्ट बैग के लिए एंड काफी अच्छा कलर है इसका. कलर सॉर्ट ऑफ डस्टी पिंक कलर है. पर्सनली आई रियली लाइक दिस कलर बट मेरे को ऐसा एक कलर मेरे को एक ब्लैक में भी चाहिए था बट इसमें ब्लैक कलर अवेलेबल नहीं था. So I just loved it and I really like this waist bag. This is a very simple waist bag and at affordable price. Looks so pretty. So highly recommend this one. Thumbs up for this one as well. You guys can give this one a shot. Now moving on to the next item. Next is this cute lunch bag. Price is 271 rupees. Material is waterproof and material ki quality is ekdam badhiya hai. Isme aisa pura flamingo print de rakha hai over बैक में और फ्रंट में एंड इसमें टू पॉकेट स्टाइलिंग के लिए दे रखी है. एक तो फ्रंट में है, उसमें आप जो भी लाइक सॉस और पिकल्स पैकेट्स होते हैं वो रख सकते हो, वाटर बॉटल भी रख सकते हो. और जो सेकंड पॉकेट है वो पूरी ऐसे एल्यूमिनियम शीट की है, एज यू गाइस कैन सी, जिससे कि खाना गर्म रहे. तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये इसका, ये जैसे काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी स्पेशियस भी है ये. तो लाइक आप इसके अंदर अराउंड 2 to 3 रेक्टेंगल वाले जो लंच बॉक्स है वो भी रख सकते हो और जो भी लंच बॉक्स के साथ अदर बॉक्सेस होते हैं वो भी आप इसके अंदर रख सकते हो. तो ये मैंने अपनी पर्टिकुलरली ये मेरी एल्डर सिस्टर है उनके लिए मंगवाया था, वो रोज़ ऑफिस जाती है तो इस वजह से उनके लिए मैंने स्पेशली परचेज कराया. सो आई जस्ट लव्ड इट. क्वालिटी एकदम बढ़िया है और आई गेस 271 रुपीज़ में काफ़ी अच्छी डील है. तो मेरे को पैसा वसूल लगा है. यू गाइस कैन गिव दिस वन अ शॉट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम. नेक्स्ट इज दिस 2-in-1 हार्ट शेप स्लिंग बैग एंड वेस्ट बैग. प्राइस इसके 649 रुपीज़ है विच इज एक्सपेंसिव एंड मटेरियल इसका अगेन अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है बट आई डोंट नो क्या है इसका, आई गेस रेगजीन ही है. एंड इसमें ऐसे टू पॉकेट स्टाइलिंग के लिए दे रखी है, टू हार्ट शेप्स पॉकेट दे रखी है. फर्स्ट ऐसा इसमें ट्रांसपेरेंट कार्ड होल्डर दे रखा है और सेकेंड जो है उसमें भी ऐसे दो कार्ड होल्डर दे रखे हैं. चेन की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है. फॉर स्लिंग बैग इसमें ऐसी बेल्ट दे रखी है बट बेल्ट की क्वालिटी मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगी और इसकी बेल्ट काफ़ी छोटी सी लाइक ऐसे छोटी सी है एंड जो वेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है ये मेरे को अच्छी लगी. बट पर्सनली वेस्ट बैग के अकॉर्डिंग मुझे इसका साइज थोड़ा बड़ा लगा है. अगर इसका ये फर्स्ट हार्ट जो पॉकेट है इतना वेस्ट बैग होता तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता. और स्लिंग बैग मैं इसमें इतना फ्लेक्सिबल सामान नहीं रख सकती जितना मैं उन दोनों बैग में रख सकती हूँ. लाइक इतना स्पेशियस नहीं जितने वो बैग थे बिकॉज इसका जो बैक है वो थोड़ा स्टिफ सा है. सो आई डोंट थिंक इसमें थोड़ा फ्लेक्सिबल सामान आ पाएगा. और एंड 649 रुपीज़ में मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव भी लग रहा है. सो आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड दिस वन बट या यू गाइस कैन गिव दिस वन अ शॉट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम. नेक्स्ट इज दिस इनरवेयर स्टोरेज बॉक्स. प्राइस इसकी 318 रुपीज़ है एंड मटीरियल इसका पॉलिस्टर है और फ्रंट में और बैक में ऐसा पूरा पोल्का डॉट और लेस वर्क दे रखा है. और जो ये पूरा हार्ड बोर्ड है, आई गेस इसका मटीरियल की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्टिप और स्टर्डी मटीरियल है इसका. एंड इसको आप ओपन करते हो तो ये पूरा ऐसे दो सेपरेट सेक्शन है इसमें. लाइक ये वाला सेक्शन पूरा इसमें आप आराम से 4 to 6 इनरवेयर्स इनर अंडर पैंट्स रख सकते हो एंड सैनिटरी किट भी रख सकते हो आराम से. और ये वाला जो पूरा एक सेक्शन है पूरा ब्रास के लिए, इसमें आप अराउंड 4 to 5 ब्रास रख सकते हो. सो फॉर ट्रैवलिंग के लिए ये किट बहुत ज़्यादा अच्छा है ये पूरा बैग एंड साइज भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है. सो मस्ट हैव दिस वन. लाइक बैग में इतना ढूंढना नहीं पड़ेगा कि किधर है चीज़ें. सो आई जस्ट लव्ड इट एंड क्वालिटी एकदम बढ़िया है. डेफिनेटली गोइंग टू रिकमेंड दिस वन. पैसा वसूल लगा है मुझे. सो या दैट्स इट. सो टुडे शाउट आउट गोज टू सवानी गनौर. उन्होंने कहा है अगेन माई होप्स फॉर शाउट आउट आर डाउन बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग सेट बिकॉज आई लव सींग यू एंड ऑल अबाउट यू. योर वॉइस इज मेलोडियस. आई जस्ट लव इट. इफ यू कॉल मी आई कैन ईजिली आइडेंटिफाई यू. आई विल डेफिनेटली मीट यू सून. माई वन ऑफ ड्रीम्स. ऐसा कुछ भी नहीं है यार, मैं नॉर्मली हूँ. सच अ काइंड एंड फ्री पर्सन आई हैव सीन बींग एन ह्यूमन एंड आई एम नाउ आई एम अडिक्टेड टू यू. योर ड्रेसिंग सेंस इज अमेजिंग. इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस. लव लव. सो थैंक यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कमेंट किया उसके लिए एंड सेकेंडली थैंक यू सो मच फॉर दैट यू लाइक माई वर्क एंड अप्रिशिएट माई वर्क एंड
सवानी मेरे हर वीडियो पे कमेंट करती है, सॉरी इफ आई मिसप्रोनाउंस योर नेम। सो जो भी मेरे हर वीडियो पे कमेंट करता है, मेरे को उन सबके नाम याद है। और अब ऐसा होता है कि आप लोग मतलब वो लोग कमेंट नहीं करते तो ऐसा होता है कि उनका कमेंट क्यों नहीं आया। सो लाइक मैं भी एक्सपेक्ट करती हूँ, आप भी एक्सपेक्ट करते हो। लाइक होप आई विल नेवर डिसअपॉइंट यू गाइस। सो यस, दिस इज माय टुडेज हॉल वीडियो एंड प्लीज चेक आउट टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ गिव अवे। प्लीज डू पार्टिसिपेट क्योंकि मेरी तरफ से आपको इन रिटर्न में कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा ही मिलेगा। एक इसको लाइक आप थैंक यू से किया और अप्रिशिएटिंग माई वर्क मान लीजिए। सो या होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, इसीलिए ही है वो बटन। सो नेक्स्ट टाइम आई मेक श्योर दैट आई नेवर डिसअपॉइंट यू, आई इंप्रूव माई सेल्फ। आई प्लान लॉट्स ऑफ वीडियो फॉर यू गाइज, सो फॉर दैट सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।